होली पर मार्केट से मिठाई लाने के बजाय घर पर बनाई ये स्वादिष्ट खोए की कचौरी। होली के व्यंजनों में वैसे आप बहुत सी चीजों को शामिल कर सकते हैं। कुछ खास व्यंजन बनाने की सरल विधि हम आपके लिए लाए हैं, जिन्हें आप होली के खास व्यंजनों में शामिल कर सकते हैं। सामग्री: 250 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून कॉर्न फ्लोर, 30 ग्राम घी। भरावन के लिए 200 ग्राम खोया, 50 ग्राम मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून सूखी मेवा, 1-2 टीस्पून इलायची दालचीनी पाउडर। चाशनी के लिए 250 ग्राम चीनी, 1 कप पानी, 1 चुटकी केसर, तलने के लिए घी। विधि: भरावन की सामग्री मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। कचौड़ी के लिए मैदा में पानी मिलाकर गूंध लें और गीले कपड़े से ढक कर रख दें। पानी और चीनी की चाशनी बना लें। चाशनी को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच दूध भी डाल दें। चाशनी एक तार की होनी चाहिए। केसर का उंगलियों से चूरा कर लें। मैदा की छोटी छोटी लोइयां बना लें। लोई को बेल कर उसमें भरावन का मिश्रण भर कर अच्छी तरह बंद कर दें। घी को गर्म करें। जब घी गर्म हो जाए तो धीमी आंच पर कचौड़ियों को तल लें और ऊपर से केसर छिड़क दें।